साधकों, गिनती कुछ ज़्यादा होने के कारण इतनी जल्दी मैं निर्णय शायद ना कर पाऊँ कि हमें किसको कितना सहायता करनी चाहिए। अगर जो 50, 60, 70 होते तब तो एक ही लाइन में विशेष तरह की सहायता कर देते, तो थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। हर एक के संस्कार देखूं, अवस्था देखूं, जरा ऐसा उचित सा नहीं है फिर तो। इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको कितना हमें शक्तिपात करना चाहिए। मैं उसकी योग्यता के अनुसार ही शक्तिपात करता हूँ, सोचता हूँ कि हमें क्या उसे देना चाहिए, वो तो संकल्प के ऊपर होता है। अभी तक 100 से 150, 130 के लगभग होते थे तो तेज़ गति से समझ में आता था, अब उतने दूने हो गए हैं लगभग। मुझे एक बात याद आई, हाँ फिर कार्यक्रम शुरू। दिल्ली के दो पुलिस अधिकारी रिटायर और वर्तमान सेवा दे रहे हैं, उनके अलावा और कौन पुलिस विभाग में है? पुलिस विभाग में वर्तमान में कौन है? एक तो मथुरा के हैं, और कोई पुलिस विभाग में कार्यरत है, रिटायर है? अवस्थी जी खड़े हो जाइए, नहीं आपको नहीं कह रहे, आप दो को छोड़ के और कोई पुलिस विभाग में है? दो को छोड़ के, एक तो दरियाव सिंह जी और शेर सिंह जी को छोड़ के कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अवस्थी जी हम आपका नंबर बड़ी जल्दी लगा देंगे, हमारा ये है थोड़ा बातचीत हो जाए, कोई बात नहीं बैठ जाइए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में है, पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश में है पुलिस, यानी क्या कहना चाहिए। पहले मेरे विचार थोड़ा पुलिस वालों के लिए कुछ और थे, अब मेरे कुछ और हैं। और हमारे एक वर्तमान में पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, शायद कुछ सालक जानते भी, मीनाक्षी के पिताजी हैं, मीनाक्षी तो शायद सभी जानते होंगे। मेरी सोच थोड़ी दूसरी थी, उन्हें मालूम होगा कि मैं कभी भी पुलिस वालों को योग नहीं सिखाऊंगा अगर मैं इस योग्य हुआ, मन की बात कह रहा हूँ, कोई विरोध नहीं। लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया है कि जितना सोचा था कि नहीं सिखाऊंगा वही सबसे ज़्यादा सीख गए। और एक हमारे रिटायर तेज तर्रार कवि सेवानृत शेर सिंह जी हैं, जैसा नाम है वर्तमान में वैसे ही साधक भी हैं, सुनते हैं, हमने देखा नहीं, सुनते हैं कि जब वो अपने ड्यूटी टाइम थे तो ऐसे ही रहे। क्या शेर दिल हैं, जैसा नाम है वैसे ही दमंग हैं, और साधना में भी वैसे ही। तो हमारी सोच बदल गई। दरियाव सिंह जी कभी थे किसी अन्य गुरु के पास, मगर अब शायद वो भी बदल गए। तो हमारा मतलब और कुछ नहीं है, समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, कि बस एक ही पुलिस विभाग में बचे हैं तो क्यों ना इनकी भी नैया पार लगा दें। हमारा रिकॉर्ड होगा कि भाई जो पुलिस विभाग के आए मैंने सभी को कर दिया, और दूसरे का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उस विभाग के भी अभी बैठे हो अच्छे साधक हैं, वो वकील लोग हैं, कुछ मत सोचना। मैंने देखा है अनुभूति की, बुरा न माने, बड़े अच्छे पति पत्नी साधक हैं, यहीं पे लोग जानते होंगे। तो साधकों, इन्हीं के बहाने उदाहरण थोड़ा दिया, जीवन मनुष्य को अच्छा व्यतीत करना चाहिए, जो मैं कहना अब चाहता हूँ। अर्थात ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग या वो हमारा किसी विभाग से कुछ लेना देना नहीं, कभी भी अनावश्यक रूप से किसी से सुविधा शुल्क ना लें अगर अच्छे साधक बनना है। छोड़ो सुविधा शुल्क की, अगर आप व्यापारी हैं उतना ही उसमें फ़ायदा लें जितना उचित हो। ये नहीं है कि अभी एकदम से दूना पैसा हो जाए, इसका प्रभाव अर्थात इसका कर्माशय उसके चित्त पर पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब, जीवन अच्छा जियो, अपनी कमाई पर जियो, जो मेहनत की कमाई है उस पर रहो। ऐसा ना सोचो कि लो
हमारे बगल का या हमारा पड़ोसी 10 लाख की कार है तो क्यों नहीं हम 25 लाख की कार रखें। अरे साहब 4 लाख की कार में अपना गुजारा कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी की कमाई पर, कुल मिलाकर के ईमानदारी की कमाई पर ना दो सब्जी खा करके एक सब्जी पर रही है। यानी मैं कितनी छोटी बात कहता हूँ कि एक सब्जी खाइए, रोटी खाइए, चावल जो भी है, ज़्यादा ना सोचें कि मैं स्वादिष्ट भोजन करूँ, यानी अच्छा भोजन, ढेर सारे रुपए, ढेर सारे सुख सुविधाएँ हमेशा काम नहीं देती, एक ना एक दिन छूट जाती है। जो आपका कर्म है वो काम देता है, आपका कर्म कैसा है वो मृत्यु के बाद आपके सामने होगा, वैसी ही आपकी गति होगी। तो इसी बहाने मैं संदेश दे दूं कि हमारे जो मथुरा से अवस्थी जी आए हुए हैं वो हमारे दिमाग की लिस्ट में चढ़ गए हैं, अगर भूल जाएं तो कल याद दिला दें। मैं कुछ लोगों को फिर अभी साधकों को देखूंगा कौन है, और मैंने फिर एक बार विचार किया कि जो भारत से बाहर आए हुए हैं मैं फिर एक बार कुछ उनसे भी उनकी विशेष योग्यता पूछूंगा, और फिर एक बार अभी तो नहीं पहले अन्य साधकों का भी करूंगा। मैं चाहता हूं क्योंकि उनकी टिकट भी मेरे निगाह में लगभग 1 लाख के लगभग होगी, और पता नहीं कैसी परिस्थितियों में छुट्टियां लेके आए हूं। 2 साधक हमारे बड़े अच्छे थे, वो छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं आ पाए। मैं 16 तारीख के बाद शिविर के बाद भी 1-2 दिन ठहरने वाला हूँ। वैसे हमारे जो 7 साधक लोग साधक बंधु आए हुए हैं वो तो यहाँ के तीर्थ स्थल देखेंगे। मुझे समय मिला अगर जो साधकों का मतलब अगर मार्गदर्शन करना पड़ा तो मैं 1 दिन ठहर जाऊँगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। मैंने पूना व महाराष्ट्र के तीर्थ स्थल बहुत देखे, मैं बहुत कई साल यहाँ रहा हूँ या आता जाता रहा हूँ। तो साधकों सभी को मैं शक्तिपात करूँगा, लेकिन ज़्यादा साधक होने के कारण शायद उचित लाभ ना दे सकूँ, ठीक है। तो मैं सभी साधकों से कहूँगा कि उचित समय जब मिले यानी खाना खाने से पहले प्राणायाम कठोरता के साथ अवश्य करें, बिल्कुल आलस्य ना करें और अनावश्यक बातें बिल्कुल ना करें। यहाँ आए हैं तो मंत्र जाप मन में करते रहें, सिर्फ ज़रूरत की बात करें। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पकड़ा, फेसबुक और अन्य जो भी है यूट्यूब चलाने लगे, अर्थात जो भी यहाँ 3-4 दिन रहना है बड़े आराम से यानी साधक बन करके रहिए, साधक के जो नियम होते हैं उनका पालन करिए, ताकि यहाँ से जब आप जाएं तो कुछ लेके जाएं। सत्य तो ये है कि आप अवश्य ही निश्चय ही लेके जाएंगे, जो मैं मंत्र बोलता हूँ ओम मंत्र वो विशेषता को लेकर के होता है, आप लोगों की चित्त शुद्धि के लिए मैं करता हूं, और यही कारण है कि मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो मुझे मंत्र को शायद यहां इस तरह का जाप नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।